नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में सेना के कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। इस वीडियो में आपको बताएंगे अपने जवानों की शहादत और किस बहादुरी से उन्होंने आतंकियों का सामना किया और ये पूरा एनकाउंटर किन हालात में हुआ, इसकी पूरी कहानी। जवानों को सोमवार की शाम बताया जा रहा है करीब 7:45 ये खबर मिली कि धारी गोटे उरारबागी के जंगलों में आतंकवादियों का मूवमेंट है, उनके वहां होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद कैप्टन ब्रजेश थापा के नेतृत्व में जवानों ने इस चुनौतीपूर्ण इलाके में आतंकवादियों का पीछा किया और करीब 9 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि जवानों ने इस पूरे इलाके को चौतरफा घेर लिया था। और जब आतंकवादियों को लगा कि उनकी मौत सामने खड़ी है तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 20 मिनट तक बताया जा रहा है कि ये फायरिंग चली, गोलीबारी चली और इसमें कैप्टन ब्रजेश थापा और 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बीच आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर पहाड़ी इलाके की तरफ भाग निकले। आनन फानन में जो जवान जख्मी हुए थे उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान सेना के कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र और सिपाही अजय और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान की मौत हो गई। उन्होंने शहादत दे दी। आपको बता दें कि कैप्टन ब्रजेश थापा सिर्फ 27 साल के थे और इस उम्र में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत को सेना ने नमन किया है और साथ ही पूरा देश उनकी शहादत पर गर्व कर रहा है। कैप्टन ब्रजेश थापा दार्जिलिंग के रहने वाले थे और उनकी शहादत की खबर मिलते ही उनके घर और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। कल रात को 11 o'clock को पता चल गया था, ऐसे तो हुआ इंसिडेंट आई थिंक 9 o'clock के करीब, तो डेट टोल्ड अस अराउंड 11 o'clock। तो उनके CEO ने फ़ोन किया था, जो पेरेंटल यूनिट का CEO है उन्होंने फ़ोन किया था। तो हमको ये मतलब वी कुडंट बिलीव ओनली, क्योंकि ऐसे तो हमको पता था वो ऑपरेशन के लिए जा रखा है करके। तो कितने साल से ब्रजेश है सर्विस में? सर्विस में अभी हो गया उसका 5 years, 5 years होने वाला था अभी। कितने साल का था वो? अभी 26 कंप्लीट हो गई, 27 में स्टार्ट कर दिया। वो जो है वो हमेशा बोलता था कि मैं क्या अपने आप जैसे ही मैंने जाना। जब हम गाड़ी में भी चलते थे तो हमारा जो फौजी गाड़ी में मैं आगे बैठता था और पीछे बैठते थे, बच्चे थे, तो बोलता था किसी दिन मैं भी आगे के उसमें सीट में बैठूंगा। भाई का लड़का है। कल रात को वो ये मिलिट्रेंट के साथ ये हुआ ना, उसने शहीद हो गया। वो अब हम लोग तो बॉडी वेट कर रहा है, बॉडी आने के बाद में हम लोग दार्जिलिंग लेके जाएंगे। हम लोग मेन घर तो दार्जिलिंग है, तो फैमिली का तो हम लोग दार्जिलिंग जाएंगे लेके बॉडी को ले। आपको बता दें कि इस घटना के बाद सेना की अन्य टीमें मौके पर रवाना की गई और सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में काफी तेज कर दिया गया है। अभी तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन इस पूरे हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। इसके पहले कठुआ में जो जवानों के काफिले पर हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी कश्मीर टाइगर्स ने ली थी। लाइव हिंदुस्तान अपने देश के जवानों और उनकी शहादत को नमन करता है।